पैरों में सालों साल से जमी मैल, कालेपन, गंदगी, बदबू इन सबको साफ करके आपके पैरों की रंगत को बिल्कुल गोरा कर देगा आज का मेरा ये आसान सा तरीका। आज आपको फॉलो करने हैं सिर्फ 4 स्टेप। इसके बाद आपको किसी भी सलून में जाके पेडिक्योर करवाने की तो एटलीस्ट जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपके पैर इतने ज्यादा सुंदर हो जाएंगे कि लोग बल्कि आपसे पूछने लगेंगे कि आप अपने पैरों का ध्यान कैसे रखते हैं। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं खुद भी, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम अपने फेस का ध्यान तो बहुत रखते हैं, फेस पे दुनिया जान की क्रीम्स अप्लाई करते हैं, बहुत तरह के ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन अपने पैरों को बेचारों को भूल जाते हैं। और पैरों की याद कब आती है? जब किसी शोरूम में हम गर्ल्स जब चप्पल पसंद करने जाती हैं और चप्पल पहनने के बाद बहुत शर्मिंदगी फील होती है क्योंकि पैर एकदम काले होते हैं और एड़ियां बिल्कुल फटी हुई होती हैं, तो हम बहुत ज्यादा छुपाते हैं अपने पैरों को कि चलो यहाँ से तो पहन लें, पसंद कर लें, घर जाकर देखते हैं, इनको साफ करते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपको वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, इसलिए घर पर इन छोटे से आसान से स्टेप्स को फॉलो करो और फिर देखो आपके पैर कितने सुंदर हो जाएंगे, आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगी। इनफैक्ट मेरा ये पेडिक्योर बॉयज भी कर सकते हैं, उनको भी तो हक बनता है अपने पैरों को खूबसूरत बनाने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि गर्मियों में सन टैन की प्रॉब्लम पैरों में बहुत ज्यादा आ जाती है, हमारे पैर बहुत भद्दे हो जाते हैं, तो उन भद्दे पैरों को हमें बनाना है खूबसूरत, जिसके लिए आपको करना है वीडियो को जमकर शेयर और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पर आने वाला सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जानते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले पेडिक्योर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्लिंजिंग करनी है, यानी अपने पैरों को क्लीन करना है। इसके लिए आप छोटा सा टब ले लीजिए, उसमें आप गर्म पानी डाल लीजिए। गर्म पानी डालने के बाद आप इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा और साथ में 3 चम्मच नमक डाल लीजिए। साथ में आप इसमें थोड़ा सा शैम्पू भी ऐड कर लीजिए और उसको अच्छे से हाथों से मिलाकर झाग बना लीजिए। अपने पैरों को कम से कम आप इसमें 10 मिनट के लिए डिप करिए, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो आपके पैरों की सारी टैनिंग को बहुत बढ़िया तरीके से रिमूव करता है और नमक आपकी जितनी भी काली स्किन हो गई है उसको हटाकर आपके स्किन के टेक्सचर को सुधारता है। बेसिकली ये दोनों जो हैं आपके पैरों की सारी जितनी भी कालक और गंदगी जमी है ना, उनको एकदम से मैल को निकाल देगा। तो आप इसको 10 मिनट के लिए डिप करें, उसके बाद आप अपने पैरों को पोंछ लें। अब बारी आती है फुट स्क्रबिंग की। फुट स्क्रबिंग के लिए हमें बनाना कैसे है, पहले आपको एक खाली कटोरी लेनी है, उसमें डालना है आपने 2 चम्मच लेमन जूस, 1 चम्मच चीनी और 2 चम्मच हनी। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अपने पैरों पर अच्छे से इसको रब करिए, कम से कम 2 से 3 मिनट तक। पैरों को अच्छे से रगड़ने के बाद आप इस तरह का एक प्यूमिक स्टोन ले लीजिए। प्यूमिक स्टोन पत्थर वाला आपको इजीली कहीं भी मार्केट से मिल जाएगा, उससे अपनी एड़ियों को और अपने पूरे पैरों पर अच्छे से रब करिए, क्योंकि ये छोटा सा प्यूमिक स्टोन बड़े से बड़े स्क्रबर का काम करता है। ये आपकी सारी डेड लेयर को निकाल देगा और आपके पैरों को बहुत सॉफ्ट बना देगा। स्क्रब करने के बाद अब हम बनाएंगे इसका पैक। बेफिक्र रहिए, ये वाली चीजें आपको रोजाना फॉलो नहीं करनी। फूड वाइटनिंग पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए 4 चम्मच बेसन, 2 चम्मच दही, 1/2 चम्मच लेमन जूस और साथ में इसमें ऐड करना है लाल मसूर दाल का 2 चम्मच पाउडर। लाल मसूर दाल जो हम घर में बनाते हैं इस तरह की होती है, इसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और उसका 2 चम्मच इस पैक में ऐड कर लीजिए। अब इस पैक को अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे पैरों पर अच्छे से लगा दीजिए। पैर जब सूख जाए, अच्छे से जब ये पैक सूख जाए तो पानी की सहायता से इसको धो दीजिए। धोने के बाद अब बारी आती है हमारे लास्ट स्टेप की। लास्ट स्टेप में आपको कोई ज्यादा चीजें अप्लाई नहीं करनी, इसके लिए बस आपको एक छोटी सी डब्बी लेनी है। डब्बी में आपने 1 चम्मच वैसलीन डालना है और उसमें डालना है 1/2 लेमन। इनको अच्छे से मिक्स करना है और कंटेनर में स्टोर करके रात को सोने से पहले आप इस मॉइस्चराइजर को डेली अप्लाई करें और ऊपर से सॉक्स पहन लें। आधे घंटा सॉक्स पहने, उसके बाद उतार कर सो जाएं। आपके पैर मजाल है कि कितनी भी गर्मी हो फट जाएं, कितनी भी दरारें होंगी वो भर जाएंगी, आपकी स्किन कितनी काली होगी, झुर्रियां आ चुकी होंगी पैरों पे वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि नींबू जो होता है आपकी स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग का काम करता है और वैसलीन आपकी पुरानी से पुरानी पड़ी हुई दरारों को बहुत जल्दी हील करता है। वैसलीन आपने कौन सा लेना है? पेट्रोलियम जेली वाला। तो बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें और अपने पैरों को अपने फेस जैसा खूबसूरत बनाए और ऐसे ही मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दें। कैसे करेंगे? लाइक और कमेंट करके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।